आइए देखें दमन के 10 सबसे अच्छे स्थान और जाने कि क्यों कहते हैं इसे मिनी गोवा। और वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, क्योंकि वीडियो में पूछे गए प्रश्न का जवाब देकर आपको मिलता है मौका ढेरों 10 on 10 इनाम जीतने का। नंबर 10, मीरासोल लेक गार्डन। मीरासोल लेक गार्डन दमन की एक ऐसी जगह है जहां आपको हरियाली और शांति के बीच आराम और मौज मस्ती करने का मौका मिलेगा। मीरासोल लेक गार्डन में एक सुंदर झील है जहां पर आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। इसी के साथ टॉय ट्रेन, फाउंटेन और वाटर पार्क इस जगह की लोकप्रियता में चार चांद लगाते हैं। दमन सुपर टिप। दमन को कई और नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे कि दमन, मिनी गोवा और गुजरात का गोवा। नंबर 9, सोमनाथ महादेव मंदिर। दमन में स्थित सोमदेव महादेव मंदिर एक प्राचीन मंदिर है। सोमदेव महादेव मंदिर शिव जी को समर्पित है और कहते हैं इस मंदिर का शिवलिंग 19वीं सदी में एक साधु के आग्रह पे बनाया गया था। इस मंदिर में हर साल मासी मेला भी आयोजित किया जाता है, जब यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। दमन सुपर टिप। दमन घूमने का बेस्ट समय अक्टूबर से अप्रैल के बीच है और दमन के सबसे खास पर्व हैं गरबा पर्व, नारियल पूर्णिमा, गंगा जी मेला, क्रिसमस और लोक नृत्य मेला। नंबर 8, बूम जीसस चर्च। दमन शहर अपने पुर्तगाली संबंध के लिए भी जाना जाता है। इसी कड़ी में शामिल है दमन का बूम जीसस चर्च, जो मोटी दमन इलाके में बना हुआ है और 400 साल से बुलंदी से खड़ा है। अपने बेजोड़ निर्माण और वास्तुकला के लिए जाना जाने वाला ये चर्च दमन का एक लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट भी है। दमन सुपर टिप। दमन में खरीदारी करने के बेस्ट मार्केट्स हैं डीएमसी मार्केट, मंगल मार्केट और एस शॉपिंग मॉल। नंबर 7, जेटी गार्डन। दमन के बीच से बहती है दमन गंगा नदी और दमन गंगा नदी के तट पर बना है जेटी गार्डन। जेटी गार्डन से आप बहती हुई शीतल नदी और आसपास के सुंदर नज़ारों को निहार सकते हैं। जेटी गार्डन आराम फरमाने की एक उत्तम जगह है और यहाँ बच्चों के खेलकूद के लिए भी पर्याप्त जगह है। दमन सुपर टिप। दमन के सबसे स्वादिष्ट पकवान की बात करें तो वह हैं उबादियू, कोजीडो, जेटी रोल और खट्टा मीठा भात। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को घंटी के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 6, डोमिनिकन मोनेस्ट्री। डोमिनिकन मोनेस्ट्री भले ही खंडर जैसा दिखता हो, लेकिन इसके रूप से धोखा न खाइए, क्योंकि पूर्व में ये एक कैथोलिक मोनेस्ट्री थी और उस जमाने का ये एक अहम धार्मिक स्थल हुआ करता था। यहाँ पर धर्म और इतिहास के खोजकर्ता भी दूर दूर से रिसर्च करने अक्सर यहाँ आया करते हैं। दमन सुपर टिप। दमन शहर में रहते हैं लगभग 2.25 लाख लोग और यहाँ सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाएं हैं गुजराती, हिंदी, इंग्लिश और पुर्तगाली। नंबर 5, लाइट हाउस। दमन अरब सागर से सटा हुआ शहर है और अरब सागर में बहते हुए समुद्री जहाजों को रास्ता दिखाता है यहाँ का लाइट हाउस। लाइट हाउस के पास से आपको सूर्यास्त का भी एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। दमन आने वाले ज्यादातर पर्यटक इस स्थान का रुख किए बगैर नहीं लौटते। दमन सुपर टिप। दमन घूमने का बेस्ट तरीका है पैदल, ऑटो, टैक्सी कैब या सेल्फ ड्राइव कार्स। और दमन घूमने से जुड़ी किसी सहायता के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप दमन घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को बुकमार्क और सेव जरूर कर लें, ताकि जरूरत पड़ने पर आप इसे जल्दी से देख पाएं। नंबर 4, मोटी दमन फोर्ट। लाइट हाउस के पास ही स्थित मोटी दमन किला भी एक अच्छी देखने लायक जगह है। इस किले को पुर्तगालियों ने 16वीं सदी के अंत में बनाया था और इस किले को इसके ऐतिहासिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। मोटी दमन फोर्ट के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई हैं, जिस वजह से इस पर आक्रमण करना बेहद ही मुश्किल था। दमन सुपर टिप। दमन का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन वापी शहर में दमन से करीब 10 किलोमीटर दूर है। नंबर 3, देवका बीच। दमन का जिक्र करें और बीचेस के बारे में हम ना बताएं, ये भला कैसे हो सकता है। देवका बीच दमन के सबसे हसीन बीचेस में से एक है। देवका बीच पर आपके एंजॉयमेंट के लिए ढेरों ऑप्शंस मौजूद हैं। आप यहां पर बीच के किनारे बने बेड्स पर आराम कर सकते हैं या आप वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ भी उठा सकते हैं। दमन सुपर टिप। दमन से सबसे नजदीक का फंक्शनल एयरपोर्ट सूरत में बना सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नंबर 2, सेंट जेरोम फोर्ट। अब बात करते हैं सेंट जेरोम फोर्ट की, जिसे नानी दमन किला भी कहा जाता है। ये किला कैथोलिक समुदाय के विद्वान सेंट जेरोम को समर्पित है, जिनका ईसाई समुदाय में खासा योगदान है। इस किले के प्रांगण में आप अवर लेडी ऑफ सी गिरजाघर और जैन मंदिर भी देख सकते हैं।
दमन सुपर टिप। दमन घूमने का प्रति व्यक्ति औसत खर्चा 3,500 से 6,500 रुपए के बीच आता है और दमन में ठहरने की कुछ मुख्य लोकेशंस हैं देवका बीच, भीमपुर, दिलीप नगर, दुनेथा और रिंगनबाड़ा। अगली जगह देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी को त्योहारों पर गिफ्ट देना चाहते हैं तो चोको डिप की हैंडक्राफ्टेड चॉकलेट एक औसम ऑप्शन है। आप chocodip.in वेबसाइट पर 10/10 डिस्काउंट कोड यूज करके चोको डिप चॉकलेट्स पर एक्साइटिंग डिस्काउंट भी ले सकते हैं। chocodip.in पूरे इंडिया में चॉकलेट्स डिलीवर करती है, वो भी फ्री शिपिंग के साथ। नंबर 1, जमपोर बीच। अगर आपको दमन का असली मजा लेना है तो पहुंच जाइए यहाँ के जमपोर बीच। इस बीच में वाटर स्पोर्ट्स की भरमार है जिससे आप यहाँ फैमिली और फ्रेंड्स के साथ खुलकर एंजॉय कर सकते हैं। ठंडी ठंडी पावन हवाएं और समुद्र की मदमस्त लहरें आपको यहाँ एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। आप दमन के ये सारे स्थान स्क्रीन पर दर्शाए गए मैप के द्वारा 3 दिन में घूम सकते हैं। 10/10 इनाम जीतने के लिए कमेंट के द्वारा ये बताना मत भूलिएगा कि इस वीडियो में दिखाए गए सीक्रेट कोड्स को जोड़कर क्या संख्या बनती है। कमेंट से जवाब देने के बाद स्क्रीन पर आपके लिए आ रहे अगले वीडियो को भी जरूर क्लिक करके देख लीजिए।